हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सुहाना स्कूल जाने के लिए हो गई है तैयार, आप देख सकते हैं। और ये आजकल कुछ भी नहीं बोलती है, इनका शक्ल देखिए आप, क्योंकि इन्हें खिलाया जा रहा है सब्जी और चावल। तो इनका शक्ल देख लीजिए कितना बुरा बना हुआ है, क्योंकि ये खाना चाहती ही नहीं है सब्जी चावल। और सब्जी चावल में आज क्या है? आज है चावल बैंगन और बैगन प्याज आलू का सब्जी। सब्जी। और सुहाना को कुछ पूछते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुस्सा है सुहाना। गुस्सा है हाँ, क्यों? बोले मेरे बैग में कुछ रख दो तो दुकान के चीज स्कूल में खाएंगी। पढ़ती है ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा दुकान का चीज। अपने नाम का स्पेलिंग बताओ, सभी दोस्तों को बताओ, अपने नाम का स्पेलिंग बता दो। हाँ आ गया। मम्मी का नाम सुहाना शाह कहाँ बोली? शाह? बोलो शाह। देखिए दोस्तों, सुहाना का अपना नाम अब लिखना भी आ जाती है, पढ़ना भी आ जाती है, स्पेलिंग भी कहना आ जाती है। तो इतना तो सिखा दिया। अब इनसे ये भी पूछे कि सिखाया किसने? सिखाया किसने? पापा ने सिखाया। क्रेडिट गोज टू मी। हाँ का मम्मी ने नहीं सिखाई। कितने फूले देखू हाँ, अब ना सुहाना को इनकी मम्मी का नाम लिखना मैं सिखा रहा हूँ। तो अपना मम्मी का नाम बोलो स्पेलिंग। आई। तो मम्मी का नाम मैं अभी कंफ्यूज हो जाती है, तो वो सिखाने में भी वक्त लगेगा। हमें भी लग चुका है बहुत ज्यादा भूख। तो बीमू जो है सुहाना को खाना खिला रही है। तो मैं आ गया हूँ किचन में। किचन का लाइट, मैं आ गया हूँ किचन में। और किचन में मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे प्लेट है। तो इस प्लेट में हम अपने लिए और बीमू के लिए खाना परोस रहे हैं। यहाँ पे देखिए आ गया हमारा चावल, और बीमू के साथ में मैंने रख दिए हैं, अब हम खाएंगे। हर सपने होंगे पूरे जब आप करोगे डायरेक्शन। जिंदगी जी पाओगे आप आसानी से जब आप करोगे डायरेक्शन। तो देखिए आप लोग, ये हमारे मैंगो। मैंगो शेक। हम मैंगो शेक को ना टेस्ट किए, इसमें से दो टाइप का टेस्ट आ रहा है। ऐसा क्यों है भी मुझे बताने का दो कष्ट टाइप का करिए। मैंगो है इसमें, दो टाइप का मतलब? मतलब दो टाइप का होता है ना मैंगो, एक मालदा है एक कलकतिया है। तो कौन सा वाला अच्छा है? मालदा वाला अच्छा होगा ना, कलकतिया वाला? कलकतिया वाला भी अच्छा ही होता है लेकिन आपको मालदा वाला अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए, अभी ये आम खा के जा रहे हैं बैंक ना, इस घर के ईएमआई जो है कितने पे आके रुका है ये सारे कुछ मतलब डिटेल बुझने के लिए है ना, जानने के लिए। और अभी मैं जा रही हूँ सुहाना के टिफिन लेके ना, तो आप वहां से होके आओ, हम वहां से होके आते हैं, फिर हम शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है, मैं सिलेक्ट करके रखती हूँ, सारी वारी निकाल के रखती हूँ। ठीक है, देखिए अभी हम लोग अपने अपने काम से आ गए हैं और अभी शाम के 4 बज रहे हैं ना। मैं घुगनी फूलने दी थी तो विकास जी बोले कि मैं नहीं खाता हूँ, तो इसलिए सारे कुछ मैं रेडी करके रखी थी ये देख सकते हैं आप लोग। तो विकास जी बोले कि नहीं खाता हूँ, तो हम बोले कि कचरी बना लेते, क्या बोलते उसको, पकौड़ा ना। तो इसको अभी विकास जी पकौड़ा बनाने वाले है। शक्ल दिखाओ, बहुत हैंडसम दिखते हो, देखो यहाँ पे। पता है मुझे, हाय मुझे प्यार आ रहा है आप पे। मुझे पता है मैं काला दिख रहा हूँ। काला का मतलब थोड़ी ना होना, थोड़ी ना होता है कि हैंडसम नहीं दिखते। तो क्या हैंडसम दिख रहे हो आप? नहीं, गोरे लोग ही हैंडसम होते हैं क्या? हाँ हाँ, आपकी ये बड़े बड़े नजर में वो वाले वो फॉर्मूला होंगे। मतलब क्या मतलब? बहुत हैंडसम हो आप, नहीं सच्ची बोल रही हूँ मैं। वहाँ पे बाटी बट्टू वहाँ पे, हाँ हाँ वहीं पे, वहीं पे। हाँ चलो, आज विकास जी बना रहे हैं पकोड़ा और मैं शूट कर रही हूँ, और आप लोग को रेसिपी भी बताएंगे विकास जी। तो ये है प्याज। और पता है आज आज के वीडियो में ना एक कमेंट आया था, सेजल साहू जी ने लिखी थी कि आप ना कोई टेस्टी और हेल्दी कोई रेसिपी बताइए। ये प्याज है तो टेस्टी हो ही गया। हाँ, और तेल में छनेगा तो हेल्दी रहेगा नहीं। हेल्दी तो नहीं रहेगा। हाँ तो ये थोड़ा सा लहसुन है, ये हेल्दी होता है। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये थोड़ा सा थोड़ा डाल डाल दीजिए। दिए, ठीक है। ये प्याज डाल दिए, इसमें एक ही मिर्चा डाले हैं, हम ज्यादा मिर्चा नहीं खाते हैं। हाँ इसको रख दिया ताकि इसका शाम को बनेगा घुगनी का। हाँ, रात को बनाएंगे। और ये भी थोड़ा इसमें डाल देते हैं। वो फूटता है पता है आपको, तो इसको हम पीस लेते हैं ऐसे से, ठीक है। और इसमें अभी बेसन डालेंगे, सारे मसाला डालेंगे। अभी इसमें मैं देखिए सिंपल सा एक चम्मच ही बस। एक चम्मच?
दीजिए थोड़ा सा, मैं छोटी पड़ जाती हूँ आपको सूट करने के लिए, छोटा सा लाल मिर्च, हाँ थोड़ा ही डालिए, बहुत ना डालिए, थोड़ा सा मीट मसाला, हाँ है तो डालिए, नहीं है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा ही डालिए वो सब, थोड़ा सा धनिया, धनिया, कोरिएंडर पाउडर हो गया, आप थोड़ा सा वो डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी, हाँ हल्दी एंटीबायोटिक होता है शरीर के लिए, और थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा जमाइन, जीरा, अल्लाह जीरा भी डाल दिए, जीरा नहीं डालना होता है, अजवाइन डालना होता है, नहीं डालना होता है, नहीं पता इतना अजवाइन डाल, एक चिमटी डालना होता है यार, नहीं खाने वाली मैं अब ये पकौड़ा वगैरह, हो गया ना, एक चिमटी ऐसे करके, एक चिमटी डालना था ऐसे करके, एक चिमटी, एक चिमटी तो डाले, इसके लिए चाहिए पानी। हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, ये हमारे लिए लिए हो, हमारे लिए ये है, थोड़ा सा पानी, लाओ पानी, जल्दी फाक लो, हम ये पानी हम प्लास्टिक में डाल देंगे, हमने इसमें क्या है पूरे पकोड़ा डाल दिए है, मेरे हाथ में लग चुका है, कितना ज्यादा गीला कर दिए देखिए ना, तो पलटाने वाला काम जो है ना, उलट पलट करने वाला मैं कर रही हूँ, ये भी मुझे अपने आप खुद ही कर रही है, नहीं हुआ अभी, आप तो ये तेल को गर्म भी नहीं होने दिए थे, डाल दिए, डाल दिए थे ना, पक गया, पक गया, पलट पलट पलट, नहीं पका है, पक गया पक गया पक गया, मैं चश्मा में कितना बुरा दिखता हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ, देखो मैं चश्मा निकाल के ठीक लूंगा, नहीं आपको फ्रेम चेंज करना होगा, ठीक है, फ्रेम, वो कैसे चेंज करते हैं, मतलब ये जो फ्रेम है ना इसको हम चेंज करवा लेंगे, सेम पावर डलवा देंगे वो बड़े वाले फ्रेम में, थोड़ा सा अच्छा वाला फ्रेम, और देखिए आधा पक चुका है, आधा बाकी है, हमने थोड़ा सा इसमें पानी ज्यादा डाल दिए हैं, तो मिस्टेक हो गया, पानी थोड़ा कम डालिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे आंखें बंद करके ऐसे करके उछल रहे थे, ऐसे करके डालते कोई डाल दे इसीलिए ऐसा हो गया दोस्तों, भाई कोई नहीं, आप लोगों को ना हम अच्छे अच्छे की रेसिपी खिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप लोग आइए हम आपको, और ऐसे पति होना चाहिए जो आपको पकोड़े बना बना खिलाए, हाँ ये है भिंडी काटा हुआ जा रहा है, देखिए भिंडी, बीमू जी भिंडी को काट, भिंडी का पकोड़ा बनेगा अब, आप भिंडी का पकोड़ा इसमें मिक्स कर देंगे हम, और भी टेस्ट लगेगा खाने में, हमारे भिंडी की पकोड़ा, इसका पकोड़ा भिंडी का, भिंडी का, सो अभी हम लोग छत पे आए हैं मुड़ी और क्या है पकोड़ा खाने के लिए, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वालिटी आ रहा है ना, हाँ यहाँ पे मतलब वीडियो क्वालिटी भी अच्छा आ रहा है, रूम से 30 वाट का बल्ब लगा है फिर भी उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा है ना वहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता वास्ता करते हैं, आप लोग देखिए ही रेसिपी, एकदम सिंपल सा रेसिपी ना, मतलब जो भी हो मार्केट से तो अच्छा ही बनता है, मार्केट से हेल्दी ही रहता है घर में बनाया हुआ, है कि नहीं, तो ये सिंपल भी था हेल्दी भी था, तो आप लोग चाहे तो इस तरह से एकदम सिंपल 5-10 मिनट में बन जाता है, हेल्दी नहीं होता है क्यों नहीं होता है हेल्दी, मार्केट से तो हेल्दी होता है ना, मार्केट से हेल्दी ये बोले हम, हाँ तेल से कोई भी बनी हुई चीज हेल्दी नहीं, हाँ तो ठीक है ना, सरसों के तेल में बनाइए घर में कभी कभार, महीने में एक बार खा लीजिए, क्या है पकौड़ा, तो हम लोग अभी यहाँ पे स्कूल खोल रहे हैं, ठीक है, ये एरिया देखिए, अभी विकास जी बोल रहे थे कि ये जो खेत दिख रहा है उल्टा हो रहा है, हाँ ये जो खेत दिख रहा है ना ये सारे खेत अपना है, मतलब इमेजिन कर रहे थे ये सारे खेत अपना हो और फिर उसमें हम स्कूल खोलेंगे और स्कूल का जो नाम रखेंगे, आप लोग सुन के पागल हो जाओगे, हाँ ध्यान से बताओ क्या नाम रखेंगे स्कूल का, पहले बोले स्कूल का नाम रखेंगे आश्रम, फिर बोलते हैं स्कूल का नाम रखेंगे एक बदनाम आश्रम, ना पढ़ेगी गुरुकुल में, हाँ गुरुकुल में पढ़ोगी, उस गुरुकुल का मास्टर कौन होगा, बोलो पापा, बट शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, प्रिंसिपल, और अभी देखिए हमारा ये पकोड़ा खत्म हो गया है और यहाँ पे मुढ़ी है तो सुहाना मुढ़ी खा रही है, और ये मुढ़ी को हम ना रात को घुगनी बनाएंगे तो घुगनी के साथ भी खाएंगे, बहुत दिनों के बाद घुगनी बना रहे हैं हम, झूठ बोले कौवा काटे
काले कौवे से। आज की वीडियो में ना एक कमेंट में देखी, अभी कमेंट देख रही थी तो वहाँ पे एक कमेंट था कि विमुदी आप ना अपना हेयर स्टाइल और हेयर कट चेंज करिए तो अच्छा दिखेगा। अच्छा, तो अभी हेयर कट तो नहीं करवाऊंगी, हेयर कट तो पिछले महीने एक दो महीने पहले ही करवाई थी ना, और हेयर स्टाइल का कुछ सोचूंगी मैं चेंज करने का, ठीक है। और क्या और बताओ, आप भी कुछ कर लो। एक बात बोले सीरियसली आपको, ना हेयर स्टाइल ना कुछ भी, हमको ना अंदर से मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। अभी आप भी डिमोटिवेट हो पूरी तरह से हो, और हेल्दी भी नहीं हो। हम भी डिमोटिवेट है और हेल्थ हम दोनों का डैमेज पड़ा हुआ है, तो हमें ना अभी ये हेयर स्टाइल ये सब की नहीं, हमें ना मोटिवेशन की जरूरत है ताकि हम खुल कर अच्छे से वीडियो बना सकें, ठीक है ना। अभी हम नाम के लिए वीडियो बनाते हैं, जितने भी कमेंट करते हैं ना देखने वाले वो सच करते हैं। सही चीज है कि कभी अगर आपको व्यूज आ रहा है 15-20-25 आ रहा था, कभी 30 आ रहा था, लेकिन अभी जब 5,000 भी ना आए तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आपको एक यूट्यूबर समझ सकते हैं, जो कि यूट्यूबर वीडियो बनाते होंगे, तो हमारे जगह पर जो होंगे वो समझ सकते हैं इस बात को। क्योंकि देखिए वीडियो बनाना में बहुत मेहनत उतना ही लगता है, मेहनत नहीं है, हमको 2-2.5 घंटा देना ही पड़ता है एडिटिंग के वक्त, ठीक है ना। लेकिन जब वीडियो में व्यूज ना आए तो एक अलग ही डिमोटिवेशन आता है हमारे अंदर में, तो वही हो चुका है अभी। और अभी हम ना हमारा दिमाग, हमारा हाथ पैर सब बंद हो चुका है काम करना। हम डेली का ब्लॉग डालते हैं, ठीक है, जो हमें प्यार करने वाले 1-2-3 हजार लोग है वो तो देखेंगे ही, बाकी जब हम ठीक हो जाएंगे, मतलब ब्रेक की तरह ही हम ले लेते हैं, जैसा वीडियो हो पा रहा है हमसे, कुछ हम शेयर कर पाएंगे जो दो लोग से वही शेयर करेंगे, बाकी अच्छे से जब काम करेंगे ना, तो आप जो बोल रहे ना ब्रेक के बाद, तो वो ब्रेक के बाद ही करेंगे, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और इसी इतना तरह ही नहीं, हमारा बेटी सुहाना भी ये भी नहीं बोलती है अभी। हाँ, सुहाना को देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोलती है। सुहाना भी कितनी प्यारी बोलती थी, कितनी अच्छी मम्मी पापा को देखते हैं डिमोटिवेट है ना, ये भी नहीं कुछ बोल पाती है। सुहाना भी नहीं बोलती, आप लोग भी मतलब ये कर पा रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे, सुहाना भी नहीं बोलती है, पता नहीं क्या हो गया है, नहीं बोलती। मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ बेटा, इतना होप रखते हैं कि हमें भी कपल को जितना प्यार मिल रहा है उतना हमें भी मिले, इतना ही उम्मीद रखते हैं। और ये भी आशा करते हैं कि हम आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो ला पाए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार दें।